तो वो आपने देखा अभी वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये आप जो पढ़ सकते हैं जो कि बीकानेर राज्य के प्रतीक के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा गया है। ये नगाड़ा जो है वो यहाँ पे रखा गया है जो युद्ध के समय बजाया जाता था। इस नगाड़े के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। और हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इस वीडियो के सभी पार्ट ज़रूर देखिएगा। ये तलवारें यहाँ पे सुरक्षित करके रखी गई हैं, तलवारें हैं, शंख रखा हुआ है यहाँ पे, एक दूसरा नगाड़ा जो है वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। कि कितने अच्छे तरीके से इसे सुरक्षित किया गया। यदि आप शौकीन हैं हिस्ट्री के तो यहाँ पे आपको ज़रूर आना चाहिए। और ये जो किला है, जूनागढ़ का किला, ये बीकानेर के बीचों बीच, बीकानेर शहर के बीचों बीच स्थित है। तो ये देखें कि इस तरीके से इस गेट के ऊपर जो है कलाकारी की हुई है। और ये यहाँ पे एक दूसरी तलवार रखी हुई है तो इन पर्यटकों को परेशान नहीं करते, हम दूसरी साइड चलते हैं। और ये आप देखिए, आपको मैं दूसरा जो गेट है वो दिखा रहा हूँ, किस तरीके से इसके ऊपर भी जो स्वर्ण पत्ती का काम जो है बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पे किया गया है। लेकिन इसके लिए जो है सभी से अभी पर्यटकों के लिए खुले नहीं है, मेरे को नहीं पता वो क्यों नहीं है। काफ़ी ज़्यादा हो सकता है वहाँ पे पुरातत्व महत्व रखने वाली चीज़ें रखी गई हों। ये देखिए यहाँ पे जो है कुछ प्रतीक यहाँ पे रखे हुए हैं बीकानेर राज्य के, तो ये आप देख सकते हैं। आपको बता दें, बीकानेर का जो पुराना नाम है वो बीकाना हुआ करता था, ये ठिकाना बीकाना हुआ करता था। तो ये यहाँ पे जो भी आपको लग रहा है पढ़ने लायक है वो आप वीडियो के अंदर पहुँच करके पढ़ सकते हैं। मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए के अंदर चीज़ें कवर करने की, लेकिन फिर भी यदि कोई चीज़ छूट गई हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। से 600 साल पुरानी है और आज के टाइम में तो ये कलाकारी विलुप्त हो चुकी है। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं इसके अंदर वाइट मार्बल जो है वो यूज किया गया है और उसके ऊपर जो है ये गोल्डन कलर की पेंटिंग से शानदार काम किया गया है। आप देख सकते हैं ये सभी प्राकृतिक रंग हैं। उस टाइम में ये जो इतने केमिकल वाले जो कलर होते थे, पेंट होते थे, वो नहीं होते थे। ये कारपेट आपको देखने को मिल रहा होगा, ये 500 साल पुराना कारपेट है जिसे यूज किया गया है शाही परिवार द्वारा। और अभी तक कारपेट जो है वो अच्छे तरीके से, उस समय भी जो है विंडो के अंदर शीशे लगाए जाते थे और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये शीशा जो है विंडो के अंदर लगाया हुआ है। ये 500 से ज़्यादा साल पुराना है। और ये जो आपको सामने जो आसन दिखाई दे रहा है, ये जो शाही परिवार हुआ करता था उनके आराम के लिए कक्ष था और यहाँ पे वो इस आसन के ऊपर विराजमान होते थे। ये एक काफ़ी मतलब कि हिस्ट्रिकल चीज़ हमें देखने को मिलती है। दीवारों के ऊपर वो जो है बड़े ही अच्छे तरीके से काम किया गया, आप देख सकते हैं। ये सभी जो काम है ये प्राकृतिक रंगों के द्वारा किया गया है। ये यहाँ पे एक मंदिर है, किले के आपको काफ़ी हिस्सों के अंदर मंदिर देखने को मिलेंगे। पूरा जो है ये लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया इस किले को बनाने के लिए। और ये सीढ़ियाँ जो हैं वो सामने की तरफ हैं तो उधर से हमें जाना पड़ेगा अंदर। ये देखिए, इच्छापूर्ति हनुमान मंदिर यहाँ पे है जो कि पूरा सफ़ेद मार्बल के ऊपर बनाया गया है। और ये कुछ तलवारें रखी गई हैं, इनके ऊपर जो है राजा होते थे वो अपना शौर्य प्रदर्शन करते थे। आपको एक तस्वीर में दिखाई देगा कि किस तरीके से वो अपना शौर्य प्रदर्शन करते थे। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी, इसके अंदर वो जो हैं तलवारों पे खड़े हैं जो राजा हैं। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं आया क्योंकि यहाँ पे जो लाइट है वो काफ़ी कम थी और ऊपर से जो है मिरर के कारण, जो यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है फ़ोटो की फ्रेम पे, उसके कारण से थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। ये जो हैं किले वगैरह लगी हुई, इनके ऊपर वो अपना जो है राजा शौर्य प्रदर्शन करते थे। ये शाही टेबल और कुर्सी हैं उस समय की, 500 साल पुरानी। यदि आजकल हम लकड़ी का फर्नीचर लेते हैं तो वो 20-30 साल के अंदर जो है ख़राब हो जाता है। ये या इस साइड से यदि आप देखेंगे तो आपको जो है बगीचा नज़र आएगा इस किले का।
और ये अभी जो है हम इस किले के सेकंड फ्लोर के ऊपर खड़े हैं। यहाँ पे आपको जो है ये बीच के अंदर चौक सा एक नज़र आ रहा होगा। ये देखिए ये बगीचा आपको यहाँ पे पूरा नज़र आता है, कितने अच्छे तरीके से इसे संभाल के रखा गया। ये एक झूला है और यहाँ पे भी दीवार के आप देख सकते हैं कि किसने अच्छे तरीके से स्वर्ण पत्ती का काम किया गया। इससे जो किले का निर्माण है वो राजा राय सिंह के प्रधानमंत्री करण चंद की निगरानी के अंदर हुआ है पूरे किले का निर्माण। और ये फिर से यहाँ पे सफ़ेद मार्बल के ऊपर बहुत ही अच्छी कलाकारी की हुई है। ये जो आपको बेड दिखाई दे रहा है ये जो है शाही परिवार के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला बेड है, जिसे भी काफ़ी अच्छे ढंग से संरक्षित करके यहाँ पर रखा हुआ है। ये देखिए इस किले को, इस गेट के ऊपर कितने अच्छे तरीके से ये स्वर्ण पत्ती का काम यहाँ पे किया गया, आप देख सकते हैं। और ये दीवार के ऊपर आप छत के ऊपर आपने देखा होगा ये एक दूसरा बेड है जो कि शाही परिवार के द्वारा यूज किया जाता था, इसे भी काफ़ी अच्छे ढंग से संरक्षित करके रखा हुआ है। ये यहाँ पे दीवार पे जो मिरर आपको लगे हुए वो दिखाई दे रहे होंगे, मिरर की चमक जो है बिल्कुल नए जैसी है, जो कि 500 साल पुराने मिरर यहाँ पे लगे हुए हैं। इस वीडियो के आपको दूसरे पार्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगी काफ़ी ज़्यादा जो हथियार जो हैं जो यूज किए जाते थे युद्ध के समय, वो हथियार भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको जो है प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो यूज किया गया था एयरक्राफ्ट, वो एयरक्राफ्ट भी आपको इस वीडियो के अंदर हम दिखाएंगे। तो वीडियो के आप सभी पार्ट को जो है ध्यान से जरूर देखिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें आपके लिए नई वीडियो लेके आने की हिम्मत मिलती रहेगी। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो रुचि रखते हैं ऐतिहासिक चीज़ों के अंदर। तो ये आपको सामने की तरफ विंडो एक दिखाई दे रही है, ये देखिएगा कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे काम किया गया है। मतलब कि इस किले को यदि आप ढंग से देखना चाहते हैं तो आपके लिए एक दिन जो है वो बहुत ही कम पड़ने वाला है। मेरे पास थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज होने के कारण मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। ये आपको एक जो है पूरा बाहर का नज़ारा आपको दिखा देते हैं। अभी जो है हम इस किले के जो है थर्ड फ्लोर के ऊपर हैं, इससे ऊपर भी जो है एक और है लेकिन उसके अंदर अभी हमें जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए हम उसके अंदर नहीं जा सके। लेकिन फिर भी आप यहाँ से नज़ारा देख सकते हैं, कितना अच्छा नज़ारा आपको देखने को यहाँ से मिल रहा है। यदि आप ऐतिहासिक चीज़ों के अंदर रुचि रखते हैं तो यहाँ पे आप ज़रूर विजिट करिएगा। यहाँ की टिकट जो है वो तकरीबन 50 रुपये के आसपास टिकट है, नॉमिनल चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। और यदि आप यहाँ पे वीडियो शूट करते हैं तो उसके लिए आपको अलग से 150 रुपये पे करने होंगे, 150 रुपये की अलग से आपको टिकट जो है वो लेनी होती है। फ़ोटो यदि आप क्लिक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए आप यहाँ से आपको, चलिए अब हम आपको जो है थोड़ी और ऐतिहासिक चीज़ें दिखा देते हैं। हाँ, वीडियो के अगले पार्ट के अंदर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो इस पार्ट में इतना ही। हाँ, नेक्स्ट पार्ट आ रहा है उसे आप देखिएगा।